गुड मॉर्निंग इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज एक ऐसा नोटिफिकेशन देखने को मिला जिसने काफ़ी उम्मीदों पर काफ़ी सपनों पर अब कुछ समय के लिए विराम लगा दिया है। तो जानने के लिए बने रहें इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल के साथ और स्टडी करते हैं इस नोटिस को, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हाँ, मैं आपका होस्ट और दोस्त मनोज स्वागत करता हूँ आपका। और दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आज एक नोटिफिकेशन आया है जहाँ एक तरफ हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जूनियर इंजीनियर्स के जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं वो जल्द ही आउट होंगे, रिलीज होंगे, लेकिन HSSC ने एक नोटिफिकेशन डाल दिया है। HSSC ने कहा है कि जो जूनियर इंजीनियर सिविल की आपकी जो एडवर्टाइजमेंट थी 10/2019, उसके जो सिविल एस्पिरेंट्स थे उनके जो डॉक्यूमेंट है वो फिर से चेक किए जाएंगे। तो एक बड़ा सेटबैक है स्पेशली सिविल कैंडिडेट्स के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं अब से पहले और इंतज़ार उनको था कि रिजल्ट कब तक आएगा। खैर, उससे पहले हमारे भारत भूषण भारती जी ने कह भी दिया था कि मार्च तक ये जो वैकेंसियां हैं वो फिलअप की जाएंगी। होप सो कि कुछ ऐसी कमियां रही होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी जिनको ये दूर करना चाहते हैं, संशय रहा होगा दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो ये भी एक एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए फिर से नोटिफिकेशन मंगवाया है, लेकिन इसकी असल वजहों की का पता लगना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इन कैंडिडेट्स को अपना जो ID प्रूफ है, सेल्फ टेस्टेड कॉपीज हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, ये सब लेकर जाने हैं। और कमेटी इनको अलॉट कर दी गई है, जैसे 27, 28 और 29 तारीख को आपके शेड्यूल्स रहेंगे, जिसमें आप कमेटी नंबर 1 में 27 तारीख को ये, 28 तारीख को ये कैंडिडेट, 29 तारीख को ये कैंडिडेट, इस प्रकार से ये आपकी टोटल 12 और 15 कमेटियां हैं जो 3 दिन लगातार आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगी। तो दोस्तों, जो भी सिविल कैंडिडेट्स इस लिस्ट में हैं, सारे ही हैं खैर, तो जरूर इन तारीखों को पहुंचें। और ओनली द कैंडिडेट्स हु वर प्रेजेंट ड्यूरिंग द स्क्रूटनी, लेकिन जो जो कैंडिडेट्स इन स्क्रूटनी के दौरान प्रेजेंट थे, कहाँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में फिर से 3 महीने बाद फिर से ये प्रोसेस शुरू कर दिया है HSSC ने। तो पता नहीं चल रहा है HSSC भी आखिर करना क्या चाहती है इसका, मतलब दोबारा से स्क्रूटनी का एक अगर हम सीधा सा मतलब निकालें तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ संदेहास्पद या संशयात्मक चीज़ें सामने आई होंगी HSSC के, फिर से उन कैंडिडेट्स को कॉल किया गया होगा। तो अगर हम इसको दूसरे चश्मे से देखने की कोशिश करें, अगर हम इस नोटिफिकेशन को, इस रीशेड्यूलिंग को, रीचेकिंग को दो एस्पेक्ट से देखने की कोशिश करें, क्या कहीं कुछ गलत हो रहा था, जो HSSC या कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे गलत कैंडिडेट्स के चेक कर लिए गए थे, या फिर ऐसे डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए जो रिक्वायर्ड नहीं थे उसके कारण ये हो रही है, या फिर अंदर खाने कुछ ऐसी चीज़ें मालूम चल गई होंगी HSSC को जो इस भर्ती पर किसी ना किसी तरह का कोई गलत इफेक्ट डाल रही थी, तो HSSC इसको दोबारा से रिकंडक्ट करवा रही है, या फिर इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के द्वारा कुछ अलग कैंडिडेट्स को HSSC सिलेक्ट करना चाह रही है। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। हालांकि सही खबर क्या है उस पर सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्यों ऐसा हुआ है। होप सो इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद रिजल्ट जारी करे HSSC, काफ़ी इंतज़ार हो गया है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही खबर के साथ। उम्मीद तो नहीं करता कि ऐसी ही खबर दूं मैं आपको, कोई अच्छी और बढ़िया खबर दूं, लेकिन जैसा नोटिफिकेशन HSSC डालता है, इंस्पिरेशनल गुरुजी आपके सामने हाजिर है वही इन्फॉर्मेशन लेकर। तो बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशनल गुरुजी के साथ। धन्यवाद।